संतों और महात्माओं के व्यक्तित्व के माध्यम से ईश्वरीय ज्योति हम पर निरंतर चमकती रहती है। संसार में समय समय पर संत महात्मा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। जो इस दुनिया से विदा ले चुके हैं वे हमारे साथ तो नहीं है, बल्कि उनकी प्रेरणा हमारा जीवन पथ है। मेरा नाम सिस्टर गंगा रावत SSPS है और आप मेरे साथ हैं डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, संतों के जीवन के माध्यम से ईश्वर हमसे बहुत विविध और अक्सर अप्रत्यक्ष तरीके से बातें करते हैं। संत अर्नोल्ड जॉनसन के साथ भी ऐसा ही था। उनके सांसारिक जीवन के माध्यम से पिता परमेश्वर ने असाधारण काम किए। संत अर्नोल्ड जॉनसन एक महान संत, 3 संस्थाओं के संस्थापक और आध्यात्मिक पिता हैं। आप सभी को यह बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि माता कलिसिया प्रतिवर्ष 15 जनवरी को संत अर्नोल्ड जॉनसन का वार्षिक पर्व मनाती है। संत अर्नोल्ड जॉनसन ने 1875 में दिव्य शब्द संघ SVD संस्था की स्थापना की। इसके साथ ही सन 1889 में उन्होंने पवित्र आत्मा सेविका संघ SSPS और 1896 में पवित्र आत्मा सेविका नित्य आराधना संघ SSPS AP की भी स्थापना की। सन 1909 में इनका निधन हुआ और वर्ष 2003 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें रोम में संत घोषित किया। दोस्तों आइए सुनते हैं संत अर्नोल्ड जॉनसन की जीवनी। संत अर्नोल्ड जॉनसन का जन्म डच सीमा के पास जर्मनी के एक छोटे से शहर गोख में 5 नवंबर 1837 को हुआ था। उनके माता पिता का नाम जेरहाल्ड और अन्ना कैथरीना जॉनसन था। उनके माता पिता बड़े ही श्रद्धालु और धार्मिक स्वभाव के थे। वे माता मरियम के सच्चे भक्त थे। त्रिएक परमेश्वर का वे दिल से सम्मान करते थे। पवित्र आत्मा ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते थे। जेरहाल्ड और अन्ना कैथरीना जॉनसन गरीब किसान थे। मित्रों उनका परिवार बड़ा प्यारा और भोला था। उनकी 11 संतानें थी। 3 बाल्य अवस्था में ही ईश्वर को प्यारी हो गई थी। अर्नोल्ड जॉनसन सबसे बड़ा था। उसके 5 भाई थे और 2 बहनें थी। एक भाई जिसका नाम था विलियम, जो कपुचिन धर्म बंधु था। एक भाई और एक बहन ने विवाह किया था। एक भाई कुंवारा रहा और उनकी एक बहन भी कुंवारी रहकर पुरोहितों की सेवा में उसने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। छोटे भाई योहन की शिक्षा में अर्नोल्ड जॉनसन ने काफी रुचि ली थी। आखिर वह भी उसकी ही संस्था में एक पुरोहित बना। संत अर्नोल्ड जॉनसन बचपन से ही ईश वचन के दीवाने थे। वे पुरोहित बनना चाहते थे। उनकी पल्ली के सह पुरोहित फादर रुइटर की विशेष सहायता से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। संत अर्नोल्ड जॉनसन के प्रिय विषय गणित और प्राकृतिक विज्ञान थे। पढ़ाई में वे बहुत होशियार थे। 24 वर्ष के भी नहीं हुए थे और उन्होंने ईश शास्त्रीय शिक्षा पूरी कर ली थी। 15 अगस्त 1861 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। जो भी कार्य उन्हें सौंपा जाता था वे उसे अपनी सारी शक्ति और पूरी ईमानदारी से करते थे। प्रिय मित्रों, मैं यहाँ पर संत अर्नोल्ड जॉनसन के प्रार्थनामय जीवन पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। संत अर्नोल्ड जॉनसन के माता पिता का प्रभु यीशु और उनके पवित्र वचन पर गहरा विश्वास था। संत पॉल के शब्दों के अनुसार हमेशा प्रार्थना करते रहे। इन शब्दों में वे सार्थक उतरे। उनके दैनिक जीवन में उन्होंने प्रार्थना को अत्यधिक महत्व दिया। बचपन से ही परिवार में प्रार्थनामय माहौल था और वे प्रभु यीशु के प्रेम और विश्वास में समर्पित रहे। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से उन्हें इतना लगाव था कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पवित्र हृदय के आदर में एक लघु प्रार्थना लिखी, जो न केवल उनके परिवार में बल्कि पड़ोसी परिवारों में भी प्रार्थना के रूप में पढ़ी जाती थी।
संत योहन के पवित्र सुसमाचार के प्रथम पंक्तियों को वे आदर और सम्मान से नियमित रूप से पढ़ते थे। विशेष रूप से बीमारी, दुख और संकट के दौरान उन्हें प्रार्थना की शक्ति पर बहुत भरोसा था। वे प्रार्थना को दुनियादारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। याद रखें, प्रार्थना की शक्ति को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है, बल्कि यह एक ऐसा एहसास है जिसे हम भी अपने जीवन में अनुभव करते आ रहे हैं। संत अर्नोल्ड जॉनसन का एक प्रार्थना मंत्र था, वह यह था, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय सभी के दिलों में निवास करे। इस प्रार्थना मंत्र से उन्हें प्रतिदिन आंतरिक शक्ति प्राप्त होती थी, साथ ही साथ उन्हें मसीह के प्रेम, प्रार्थना और विश्वास ने वफादार और सशक्त बनाया। सोने से पहले जॉनसन परिवार शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता था, रोजरी माला साथ में मिलकर बोलती थी। तत्पश्चात उनके पिताजी जेरहाल्ड संत योहन के पवित्र सुसमाचार की प्रथम पंक्तियों को भक्ति भाव से पढ़कर शाम की प्रार्थना का समापन करते थे और वे पंक्तियां ये थी। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। आज जब हम हमारे प्रार्थनामय जीवन पर गौर करते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? हम में से कई लोग हमेशा अपने ऑफिस और घर परिवार के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि जब पारिवारिक प्रार्थना की बात आती है तो हम समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं। आज हम बहु कार्यशील जीवन जी रहे हैं और भागदौड़ की जिंदगी के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि हम अपने कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। हमारे माता पिता भी काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे अपना होमवर्क करने में व्यस्त हैं और युवक युवतियाँ रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं। पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल पठन की तुलना में हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के संदेशों को देखने और भेजने में बहुत व्यस्त हैं। मित्रों, संत अर्नोल्ड जॉनसन की जीवनी हमें प्रभु के कार्यों में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के प्रति उनकी गहरी भक्ति के कारण उन्हें धन प्रांत के प्रार्थनालय का निर्देशक नियुक्त किया गया था। उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी वे उसे बड़ी लगन और वफादारी से पूरी करते थे। किसी को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं देते थे। यही कारण है कि संत घोषणा के दिन संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, संत अर्नोल्ड जॉनसन ने उत्साहपूर्वक अपने पुरोहिताई कार्य को अंजाम दिया। नए जनसंचार माध्यमों, विशेष रूप से प्रेस के माध्यम से ईश वचन का प्रचार किया। कोई भी सांसारिक बाधा उन्हें निराश नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु में उनका विश्वास दृढ़ था। संत अर्नोल्ड जॉनसन स्वर्ग से अपने आध्यात्मिक परिवारों की मदद करते हैं। हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं ताकि हम सभी कलीसिया के कार्यों में तटस्थ और ईमानदार रहकर ईश वचन की घोषणा में लगे रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।